कांग्रेस के वीर जवानों, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो के तहत जारी किए कुछ क्लिप्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों, जिंदगी में सबसे पहले बैलेंस सही है। अगर आपका बैलेंस सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। उसके बाद आपका अकॉर्डिंग जिस गेम के तहत आप जो काम कर रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंस सही है। उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके जीवन में, आपके शारीरिक दृष्टिकोण में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कभी ना कभी आप कोई भी प्रैक्टिस के दौरान आप कहीं ना कहीं खिंचाव पड़ता रहेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो अपने शरीर की कुछ साइंस, आप अगर अपने बॉडी की साइंस समझ गए मैं क्या करना है और मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो लास्ट सिर्फ पंचुअलिटी। अगर आपकी मंडे टू सैटरडे आने की धैर्य है, आपका क्लियर आपका काम होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आज का थीम हमारा चेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, तो इसी पे मैं ये विज्ञान की तरफ जाना है। आपको कई बच्चे हैं ना, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कुछ भी मूवमेंट कर लो, लेकिन एक्सरसाइज कितनी भी कर लो लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाता। ग्रोथ करने का नहीं कारण सबसे पहला माइंड सेट नहीं, झिझक। कुछ भी खाना पीना, रो धो के हंस के, मतलब कुछ भी कूल डाउन नहीं, तो वो शरीर को अंग नहीं लगता है। तो सबसे पहले अपना विज्ञान समझना, अपने माइंड को कूल रखना है, अपने हार्ट को तसल्ली से मैं क्या करने जा रहा हूँ वो देखना है। तो सबसे पहले मैं चेस्ट के लिए, चेस्ट को तीन भागों में बांटेंगे, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट। अभी मैं पहले अपर चेस्ट की एक्सरसाइज बताता हूँ। डिक्लाइन पुशअप होता है, जिसके लेग्स ऊपर होते हैं अपर आर्म्स के लिए, तो वेट पूरा हाथों पे नीचे होगा, इस पोजीशन पे डाउन अप इस पोजीशन पे, रेडी अप, उठा बस अप। एक्सरसाइज देखी आपने, वो मैं अपर शोल्डर प्लस अपर चेस्ट दोनों मिला के, अगर शोल्डर में ताकत नहीं है तो आपको पुशअप मारने का तकलीफ होगा और आप क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे। अगर क्वांटिटी नहीं कर पाए तो आपकी चेस्ट को डेवलपमेंट नहीं होगी। अभी मिडल चेस्ट के लिए, शोल्डर को सामने देख, कमर दीजिए, हाँ बीस, गलत हो गया तो कहेंगे कमेंट्स तरफ होता। ओके, ये हो गई मिडल चेस्ट में, आपकी जो बीच की है, बीच की चेस्ट का ग्रोथ इसी मूवमेंट से होगा, नॉर्मल पुशअप, रेडी अप, समथिंग नेक्स्ट पुशअप वॉकिंग होगी। पुशअप के दौरान वॉक करना या फिर मगरमच्छ चाल, ये दोनों चालों में से आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए नमूना क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम मिडिल चेस्ट के लिए डाउन, मगरमच्छ चाल, जो मगरमच्छ कैसे चलता है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज। ये बच्चा पुशअप में कमजोर है, तो इसको पहले पुशअप कैसे कराया जाता है उसके बारे में करना है। इसने मिडिल ही है, मिडिल चेस्ट का ही शुरुआत करवानी है, पहले अपर और या लोअर चेस्ट का करने से उसके कई खिंचाव उठा जाएगी। तो अभी मैं इसको हेल्प से 30 पुशअप करूंगा, उसे पूछा स्टार्ट, 30, 29, 28, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20, 19, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
तो आपने देखा, अगर मैं इसको सिंगल छोड़ देता या अगर मैं इसको सेल्फ छोड़ देता तो ये चार या पांच या बॉडी को पूरा डाउन अप करके पहले वाले सेटअप कर देता। तो बच्चों ऐसे ही आप अपने पार्टनर द्वारा इसकी क्वांटिटी बढ़ाना, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा।
ओके नेक्स्ट बेंच प्रेस, जितना वेट कम करोगे, सबसे पहले वेट, जितना कम लोड लोगे उतनी आदत बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाएंगे आपकी बॉडी की ताकत बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले कम वेट क्वेश्चन, इसके पीछे नए बच्चे के पीछे सपोर्ट रखना है। ओके सीधा चेस्ट के ऊपर डाउन अप, ओके हाथ खोलो, हाथ खोलो और हाथ खोलो। ओके ये पोजीशन, थोड़ा ओपन लेग जिससे चेस्ट का दायरा बढ़े, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ओके नेक्स्ट मूवमेंट, अगर हमारे पास पैरेलल बार लगी है ग्राउंड में, पैरेलल बार है या ये एनीवन बार है, एनीवन बार मींस एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो मैं कुछ बैग मूवमेंट्स जो आपके लोअर चेस्ट के दौरान बनने वाली चीज, जो पीछे की ग्रिप बन रही है ये पोर्शन, तो उसके लिए सबसे पहले पोर्शन सीधी लेग्स और पूरा नीचे हिप को पूरा नीचे जमीन तक लगाना, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। उसके बाद लेग्स बेंड करके पोजीशन डाउन अप डाउन अप। बच्चों मैं कुछ आपको चेस्ट के एक्सपेरिमेंट करके बताना चाहता हूँ कि चेस्ट कैसे दायरे में आता है फीटों के। अभी ये न्यू स्टूडेंट है, अभी इसकी फेट बहुत ज़्यादा है, इस फेट के कारण ही अभी ये मेरी चेस्ट से एक सेंटीमीटर इसका कम है, तो मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। जूम करो, ये 90, ये अभी ये चेस्ट नापने का तरीका है और यही नापा जाता है, ये चेस्ट पे इसी पोजीशन पे नापा जाता है और इसका 90 है। भर साहब बताता है सर का चेस्ट कितना है। ओके 94, ताली बजाओ भाई सर के लिए। ओके आपने देखा मेरा 94 इनका 90, जबकि इसकी फेट ज्यादा है, इसमें मसल ज्यादा है, फिर क्यों? यही आपको पता नहीं है, इसके कारण ही आपका चेस्ट कम होता है। अभी बच्चों आप सीधा सीधा पुशअप करते हो और बैक मसल्स, ये मसल्स आपका दायरे में नहीं आता है, जब तक ये मसल्स आपका दायरे में नहीं आएगा तब तक आकार नहीं बढ़ेगा। अभी मेरा आकार बढ़ने का 4 सेंटीमीटर इससे ज्यादा मेरी बैक पोर्शन, मेरा बैक पोर्शन साइज ज्यादा मोटा है, ज्यादा बैक आपका फीते में आएगा और फॉरवर्ड आएगा, उससे मसल्स अगर बाहर निकला हुआ तो फीते में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। लास्ट में चेस्ट कैसे फुलाया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, चेस्ट फुलाते समय सीधा ये पोजीशन, उसको और कुछ नहीं, अगर आपकी ब्लेडर जैसे फूलता है, फुटबॉल कैसे फूलती है जैसे आवाज आती है, तो हमारे फेफड़े जब तक नहीं फूलेंगे तब तक आकार नहीं बढ़ेगा, आकार नहीं बढ़ेगा तो हम एक आधा सेंटीमीटर से अपने मंजिल की तरफ जाने से रह जाएंगे, वर्दी का सपना छूट जाएगा। तो बच्चों आपको चेस्ट फुलाना है तो सीधी, अभी मैं एक हल्का सा आपको व्यायाम देता हूँ। ओके कमर पे हाथ, सारे बच्चे कमर पे हाथ, नाक से खींचना है, मुंह से छोड़ना है, चेस्ट कहीं से बढ़ाई जाती है, रेडी अप। अभी कम से कम सबका 7-8 फुला रखा है, मैंने नाप रखा है, रिलैक्स रेडी अप। सीधा नाक से खींचना है, मुंह से छोड़ना है, रिलैक्स मुंह से छोड़ो, रेडी अप, खींचो खींचो, 1 2 3 4 5 6 डाउन, रेडी अप रिलैक्स। तो बच्चों अभी मैं इसका चेस्ट कितना है, कितना ये फुलाता है, एक दो तीन चार पांच छह सात, 7 सेंटीमीटर इसका चेस्ट फूल गया, तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी है। अभी जिस बच्चे का चेस्ट नहीं फूलता वो बच्चा आएगा, चल आगे। अभी इसका 80 हुआ है, बस अभी इसका 83 फूला है, तो मैं इसको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा उसके बाद वापस नापूंगा। ओके क्वेश्चन, अभी क्या करना है, आपको एक रस्सी लेनी है, फीता तो टूट जाएगा, तो आपको एक रस्सी लेनी है, रस्सी से फिर क्या करना है, आपको हल्का सा इसको ट्विस्ट करना है और इसको गांठ के माफी, गांठ नहीं लगानी है, अभी इसको बोलना है नाक से खींचो फेफड़े मारो,
ये अभी आपको रस्सी का आकार तोड़ना है, रस्सी को बटाना है। रिलैक्स, रेडी अप, खोलो खोलो गांठ, खोलो खोलो, रिलैक्स। हाँ अभी मैं जितना टाइट, खोलो गांठ को अप, ये देखो कितनी फूल रही है, रिलैक्स। क्यों इसको पता चल रहा है कि मैं कितना फुला रहा हूँ? क्यों, यहाँ अभी कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन अभी ये जजमेंट है, ये बंधा हुआ है, इसको मैंने पैक किया है और पैक को खोलने के चक्कर में ये चेस्ट फुलाएगा। तो अभी एक बार और प्रैक्टिस, उसके बाद वापस ना पेंगे। रेडी पोजिशन, रिलैक्स, रेडी अप, रिलैक्स। अभी वापस, पहले तीन बटा, रेडी अप। ये देखो बच्चों, 6 सेंटीमीटर फुलाया है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ओके तो बच्चों, मैंने आज आपको आर्मी द्वारा रिलेटेड मेडिकल पॉइंट, जिसमें चेस्ट की कमी और चेस्ट कैसे फुलाया जाता है, आपका अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट, मैंने कुछ मूवमेंट बताए, और भी कुछ मैं ज़रूरी जानकारियां आर्मी, एयरफोर्स और बेल्ट बन फोर्स, जितनी भी डिफेंस लेवल में जो फिजिकली एक्टिविटी है। और बच्चों, मैं एक और बात आपको याद दिलाता हूँ, या मैं आपको बता देता हूँ कि सोमवार से हमारा 1600 मीटर का, जो हम सोमवार को करते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तक हम डेली जो शेड्यूल करेंगे, वो मैं क्लियर आपको प्रसारित करूंगा। तो बच्चों, कल का हम हाइट कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके ऊपर मैं कुछ टिप्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।